नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं मुकेश मौर्य आपके बीच में एक बार फिर से एक नए औषधि के साथ आया हुआ हूं और आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त ये औषधि है। जैसा कि आप इसको देख पा रहे हैं, ये पान के पत्ते की तरह है, इसकी पत्तियां होती हैं बिल्कुल, और ये लता के रूप में इस तरीके से पूरे पेड़ों पे चढ़ा रहता है, लपेटा रहता है। इसे लाइनाज, इस साइंटिफिक कह सकते इसका जो वास है वो लाइनाज के रूप में होता है। तो आइए बात करते हैं, आखिर है क्या हमारे हाथ में, आज मैंने इसको क्यों लेकर के आया है। तो आप लोग बहुत लोगों ने इसको पहचान भी लिया होगा। इसको अगर बात करें तो हिंदी में इसको गिलोय कहा जाता है, गिलोय कहा जाता है, और बहुत सारे नामों से भी यह जाना जाता है। जैसे कि गुड़ुच भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग गुड़ची भी कहते हैं, कुछ लोग गुलुच भी कहते हैं, गुरुच कहा जाता है, तमाम नामों से भी इसको जाना जाता है। नाम चाहे जितने हो, लेकिन ये एक ऐसा आयुर्वेदिक पौधा है जिसका प्रयोग करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आयुर्वेद का वैसे ज्यादातर साइड इफेक्ट होता भी नहीं है, लेकिन यह एक पौधा ऐसा है, इसको अमृत के रूप में भी जाना जाता है। अमृत, इमोर्टल, इमोर्टल के फॉर्म में इसको जाना जाता है। वैज्ञानिक रूप से इसको बोला जाता है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया, टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया इसको कहा जाता है, जो कि मेनी स्पर्मी फैमिली से बिलोंग करता है। यानी हर एक पौधे का कुछ न कुछ फैमिली होता है, बॉटनिकल नेम होता है, और इसका जो फैमिली है वह मेनी स्पर्मी फैमिली है। इसका नाम है टीनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अब इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से ड्रग्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी औषधियाँ होती हैं, इसके अंदर फाइटोकेमिकल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो इसमें मुख्य रूप से आपका एल्कलॉयड, फाइटोस्टेरॉल, ग्लाइकोसाइड्स, ग्लूकोसाइड्स एंड एस्टोकाइनिन, टीनोकाइनिन, ढेर सारे ऐसे औषधियाँ होती हैं, या फिर कह सकते हैं फाइटोकेमिकल्स इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन, इस पौधे का इंट्रोडक्शन आपको मैं बताया, यानी इसका जो पहचान है गिलोय है, पहचान लीजिए। ये बहुत ही अच्छा होता है और ज़्यादातर यह जंगल झाड़ियों में पेड़ों के ऊपर लपेटा हुआ पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो ये गिलोय आपका जो नीम के ऊपर लपेटा रहता है वो ज़्यादातर फायदेमंद होता है। तो कहीं भी इसको देखें, आजकल हम लोग गिलोय वृक्षारोपण कर रहे हैं, जगह जगह पे जहाँ पे गिलोय नहीं पाया जाता, पेड़ों पर, नीम के पेड़ों पर इसका हम उसको वृक्षारोपण भी हम लोग कर रहे हैं, ताकि लोगों को आसानी से उपलब्ध हो जाए। तो आइए बात करते हैं कि ये किन किन बीमारियों में यह फायदेमंद हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट इसका मतलब क्या है, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की संख्या ज़्यादा रहेगी तो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारे अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसको इम्यून सिस्टम कहा जाता है, यह इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। जैसे इम्यून सिस्टम क्या होता है, मान लीजिए जैसे कोई राजा महाराजा युद्ध करने जा रहे हैं, उनके पास तलवार है, भाला है, सैनिक है, वो उनके रक्षा कवच होते हैं, सुरक्षा कवच। अगर सोचिए सैनिक खत्म हो जाए, धारा भाला तलवार खत्म हो जाए, तो राजा शक्तिहीन हो जाता है। उसी प्रकार हमारे शरीर का जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी कमजोर हो जाए तो हम बिल्कुल कमजोर हो जाते हैं। तमाम प्रकार की बीमारियां हमारे चारों तरफ से घेर लेती हैं, और इस समय पिछले एक दो सालों के अगर दौर में देखेंगे तो ढेर सारे वायरल बीमारियां आई हुई हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां आ चुकी हैं। आइए बात करते हैं, तो सबसे पहली बात, इसको सेवन करने से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। जैसा कि आयुष मंत्रालय ने बताया है कि कोरोना से बचने के लिए हमें अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ानी पड़ेगी। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का मतलब हमारे अंदर जो WBC की मात्रा होती है उसको इंक्रीज कर देना, WBC लिम्फोसाइट या लिम्फेटिक सिस्टम हमारा जो, उसको स्ट्रांग कर देना। तो ये रोग प्रतिरोधक क्षमता जो कि मोनोसाइट सेल्स जो होती हैं, काफ़ी अच्छी एडवांस होती है, जो कि हमारे शरीर में प्रतिरोधी क्षमता को उत्पन्न करती हैं। ये तो पहला हो गया कि इसके सेवन से हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। कैसे इसका सेवन करेंगे, इसके तनों को काढ़े के रूप में, इसके तने को देखिए तो नया पौधा है, इसके पुराने तनों को देख करके काढ़े के रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। रेगुलर काढ़ा पीने से हमारे प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अब इसके अलावा और कौन सी बीमारियां होती है, ज्वर रोधी का मतलब फीवर, जिसको बुखार कहते हैं, चाहे किसी प्रकार का बुखार हो। डेंगू की बात कर लेते हैं, डेंगू में तो बड़ा जबरदस्त काम करता है। डेंगू एक मक्खी के, मच्छर के द्वारा फैलता है, जिसका नाम है इजिप्टाई। डेंगू का इसी के द्वारा फैलता है और ये वायरस के द्वारा होता है, और यह हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती है उनकी संख्या बहुत तेजी से घटाने लगता है। तो शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या भी है
बढ़ा सकती है। फिर क्या होता है, और स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू या मलेरिया में भी गिलोय बहुत अच्छा काम करता है। मलेरिया, स्वाइन फ्लू या फिर कह सकते डेंगू, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियों में इसको लेने से जो बुखार होता है, चाहे आंतरिक ज्वर हो चाहे बाह्य ज्वर हो, इसको सही कर देता है। इसके बाद पाचन शक्ति की बात कर लेते हैं। पाचन शक्ति भी बहुत ज़बरदस्त ये बढ़ाता है, जैसे कि मैं आपको बताऊंगा। दो इसका तना, दो ये देखिएगा, ये तना है इसका, ये आपका पुराना पौधा है जो मोटा हो जाता है, ये सब तना, इसको मैं छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट दिया गया है, देखिएगा। तो ये आपका तना है, ये नीम की, मैंने नीम पर से इसको उतारी थी, रखा हुआ है, औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसके तने को सुखवा करके इसका पाउडर बना लिया जाए। पाउडर बनाने के साथ भूमि आंवला या फिर आंवला, आंवले के साथ इसको, इसके पीस करके पाउडर बना करके जो है लेप करने से, लेप नहीं, उसको जूस बना लीजिए। इसको गिलोय पाउडर को और आंवला के साथ इस्तेमाल करेंगे हम, तो हमारी पाचन शक्ति जो है बहुत ज़बरदस्त हो जाती है, किसी प्रकार का पेट में दिक्कत ही नहीं रह जाता है। इसके बाद मधुमेह की बात करें, डायबिटीज़ में क्या होता है, इसकी पत्तियों को रोज इसका रस निकाल करके सुबह और शाम सेवन करने से डायबिटीज़ टाइप 2 जो होता है, जो इंसुलिन की कमी से होता है, वो पूरी तरीके से सही हो सकता है। और श्वसन की बात कर लेते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, जैसे सांस में, सांस लेने में तकलीफ होना, ये सारी चीज़ें इसको भी दूर कर सकता है। श्वसन के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब जो बहुत तेज़ी से सांस चलने लगती है, ब्रीदिंग होने में प्रॉब्लम्स होती है, खांसी है, सर्दी है, या फिर टॉन्सिल में भी बहुत अच्छा काम करता है ये पौधा, इसका जूस पीने से। और एक चीज़, आजकल जो 50 साल के ऊपर या 40 साल के ऊपर लोग होते हैं, तो उनको गठिया, घुटनों में दर्द होने लगता है, जोड़ों में दर्द होने लगता है, जिसको अर्थराइटिस कहते हैं, अर्थराइटिस, रिमेटोइडिस अर्थराइटिस, यह एक इम्यून डिसऑर्डर है, यानी प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित बीमारी है। इसमें क्या होता है, इसके तने का पाउडर और दूध मिला करके लेने से गठिया में बहुत बढ़िया काम करता है। इसके अलावा अस्थमा की बात कर लेते हैं, इसको जड़ को चबाने से, जड़ को, इसके जड़ देखेंगे, उखाड़ेंगे तो जड़ को चबा कर चूसने से, उसके रस को अंदर लेने से अस्थमा में अच्छा काम करता है, या फिर इसकी पत्तियों को जूस पीने में। नेत्र विकार में भी बहुत अच्छा काम करता है, ध्यान दीजिएगा, अगर आंखों की रोशनी है तभी संसार जो होता रंगीन दिखाई देता है। इसे रोशनी को बरकरार अगर करना है तो आपको गिलोय सन्नाटा जोड़ना पड़ेगा, और हमारे इसके तने को पानी में उबाल कर पीने से जो होता है वो आपका नेत्र विकार सही हो जाता है। आजकल फैशन के दौर में महिलाएं सुंदर युवती दिखना चाहती हैं, तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। इसमें एंटी एजिंग एलिमेंट पाया जाता है। एंटी एजिंग का मतलब उम्र बढ़ने ही नहीं देगा, आप 50 साल के हैं लेकिन आप लगेंगे 30 साल के, क्यों, इसका इस्तेमाल करने से। एजिंग का मतलब जो क्या होता है कि रिंकल पड़ने लगते हैं, चेहरे पे झुर्रियां पड़ने लगती हैं और चेहरा सिकुड़ने लगता है, जवानी में बुढ़ापा आने लगता है, तो क्या होगा कि इसके तने को पानी में उबाल कर पीने से एजिंग डिफेक्ट नहीं पड़ पाता। इसके अलावा आजकल के जो युवा होते हैं, जैसे एडोलेसेंट किशोरावस्था में चेहरे पर झाइयां निकलने लगती हैं, मुहासे निकलने लगते हैं, पिंपल्स निकलने लगते हैं, इसको लेप करके अगर चेहरे उस मुहासे पर लगाया जाए तो भी उसमें बड़ा अच्छा आराम करता है ये। अगर बात कर लें कि इतने ज़्यादा गुड़ के बाद इसमें कोई अवगुण नहीं है, लोग कहते हैं अरे ज़्यादा यूज कर लेंगे, साइड इफेक्ट कुछ हो जाए, चेहरा खराब हो जाए, ऐसा कोई चीज़ इसमें नहीं पाया जाता। तो इसका इस्तेमाल करिए, निरोग रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं कि गिलोय क्या है, पहचान लो एक बार फिर से, मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिएगा यही इसका पत्ती है, बिल्कुल पान की पत्ती की तरह होता है, जैसे पान होता है ना उसी तरीके से इसकी पत्ती होती है, पहचानने का तरीका ये है, और ये पूरी तरीके से तने में लपेटा रहता है। और इसके पुराने तनों को देख लीजिए, इसी तरीके से होता है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काटा हुआ है, इसके तो इतना ही आपको गिलोय का तना बहुत पर्याप्त है, 3-4 दिन तक चलेगा। तो आप इसका देख लीजिए, पहचान लीजिए, इसका इस्तेमाल करते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। मुकेश मौर्य सर को याद करिए और मार्शल एजुकेशनल ग्रुप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, डेली एक न एक औषधि के बारे में आपके बीच में मैं आकर के बताऊंगा, और आपके इसलिए मेरा उद्देश्य है ताकि लोग एलोपैथिक दवाओं पर बिलीव ना करें, जिसके हजारों साइड इफेक्ट होते हैं, यहाँ पर तो किसी एक भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो आयुर्वेद को अपनाएं, जीवन में खुश रहें, निरोग रहें, आपके परिवार का और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।